फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है? थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली दे ऐड अप टू 74। फाइंड दीज नंबर्स मीन्स तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले आपको राइट क्या करना है? सॉल्यूशन राइट करना है। हम लोग सॉल्यूशन राइट करेंगे। सॉल्यूशन राइट करने के बाद आगे चलेंगे। आप देखिए क्या कह रहा है, थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं ना। कह रहा है थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मीन्स तीन लगातार पूर्णांक, तो जिसकी बात कर रहा है पहले हम उसी को लेट कर लेंगे। इसको भी छोड़ दीजिए, आगे वाला जो आगे दिया गया उसको छोड़ दीजिए। स्टार्टिंग में जो है वही देखेंगे और उसी को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो हमारा स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है, थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मीन्स तीन लगातार पूर्णांक, तो हम वही पहले लेट करेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, लेट थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मीन्स तीन लगातार, माना तीन लगातार पूर्णांक। ठीक है, माना तीन लगातार पूर्णांक कौन से होंगे? तो ये हो जाएगा यक्स कॉमा यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2। ये हमारे थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। अब चलते हैं, हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां हमको राइट क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन आ रहा है या नहीं हमसे मतलब अभी नहीं है, पहले हमें इतना पता है कि हम लेट कर लेंगे। लेट करने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, अब उसके बाद ही चलेंगे। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्रश्नानुसार। अब चलते हैं आगे। थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। कह रहा है थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 मींस जो ये हमारा दिया गया है कंसेक्यूटिव इंटीजर मींस तीन लगातार पूर्णांक, इसको राइट कर लीजिए, यस एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। कह रहा है अगर हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2, 3 और 4 से, यानी इसमें 2 से कर दीजिए, इसमें 3 से कर दीजिए और इसमें 4 से कर दीजिए। और फिर क्या कह रहा है कि एंड रिस्पेक्टली दे ऐड अप, अगर हम इनको क्या कर दें, जोड़ दें, यानी इनका योगफल कर दें, तो कितना मिलता है हमें, 74 मिलता है। कितना मिलता है, 74 मिलता है। कि ये हो जाएगा 2x प्लस प्लस ये 3 इसमें भी मल्टीप्लाई, ये 3 इसमें भी, तो 3 बन जा 3x प्लस 3 बन जा 3 प्लस 4 बन जा 4x प्लस 4 2 जा 8। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, और यहाँ क्या हो जाएगा 74। ये 2x है। अब देखिए x x वाले को ऐड करना है जहां वेरिएबल है, तो 2, 3, 2, 5, 5, 4, 9 मीन्स कितना हो गया, 9x हो गया। कितना x हो गया, 9x हो गया प्लस है प्लस। अब देखिए जहां पे नंबर है, गिनती जहां पर है, यहां पे कोई गिनती नहीं है, केवल गिनती देखनी है आपको। तो एक गिनती ये मिली और दूसरी ये मिली, तो 8 और 3 करिए प्लस, 8, 3, 11 तो कितना हो जाएगा, 74 हो गया। मीन्स 9x है 9x, इक्वल के नीचे इक्वल, 74 है 74। मैंने कहा था अगर इक्वल के साइड, इस साइड कोई भी नंबर होगा माइनस प्लस में होगा तो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और इधर अगर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। तो इधर ये किस में है, प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, मीन्स माइनस 11 हो जाएगा। तो 9x इक्वल क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गए 3 और 7 में से 1 गए 6, यानी 63 हो गया। तो x इक्वल हो गया 63। इधर 9 और x के बीच में कोई साइन नहीं, मीन्स किसकी साइन है, मल्टीप्लाई की साइन है। ये उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, पहले ही बताया था मैंने। ये हो जाएगा x इक्वल 9 का टेबल।
अब देखिए 63 है ना, 63 को किससे डिवाइड करना है, 9 से, तो 9 का टेबल पढ़ना है, 63 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 9 से बन जा 63, तो यह सिंपल कितना आ गया, 7 आ गया, है ना। तो अब पूछ क्या रहा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए, क्या लिखेंगे, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर, क्या हो जाएगा, फर्स्ट मींस यस हो गया, तो यस इक्वल 7, फिर सेकेंड क्या है तुम्हारा, यस प्लस 1 मींस 8, फिर थर्ड क्या है, यस प्लस 2 मींस इसको कर सकते हैं हम 7 प्लस 1, तो वहां से 8 आ गया, और यहाँ पे 7 प्लस 2, यहाँ से 9। ये क्वेश्चन हो गया आपका, इसका ये आंसर हो गया, अब ये क्वेश्चन हुआ आपका फिनिश। कल हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और जहाँ कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।